Today we are going to start 11th JPSC PT and mains classes. मेरा जो सब्जेक्ट है वो है पेपर सिक्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड एग्रीकल्चर, लाइफ साइंस, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे. तो पहले हम स्टार्ट करें, उससे पहले हम ये समझ लें कि हमारे सिलेबस में आता क्या है, कितने नंबर का होता है, कितने टाइप के क्वेश्चन हमें इसमें मिलते हैं. तो ये रहा सामने आपके सिलेबस. पेपर सिक्स है, पेपर सिक्स में मेनली आपको मिलेगा क्या, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट. ये आपका 3 घंटे का पेपर है और इसमें आपको 200 नंबर का क्वेश्चन आते हैं. आप सभी को पता होगा कि इसमें 6 क्वेश्चन आपके मिलेंगे आपको, और 6 क्वेश्चन में से जो नंबर वन वाला जो क्वेश्चन है उसके 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे. बाकी जो 5 क्वेश्चन बचे हैं वो आपको सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे. और जितने भी लोग जो मेरे स्टूडेंट हैं जो जेपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं, अगर आप इस पेपर में कम स्कोर करते हैं तो आपको जेपीएससी में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे. तो ये पेपर सबसे डिफ़िकल्ट है, पर अगर आप एक बार आप ठीक से पढ़ ली जाए इसको तो इसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं. अब मैं पहले पीटी की बात करूँगा, फिर मेंस के सब्जेक्ट को लेके चलेंगे. तो पीटी की अगर बात करें, लास्ट ईयर की पीटी की बात करें, तो लास्ट ईयर पीटी में जो मैं पढ़ाता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, इनको टोटल मिला के आपको 24 क्वेश्चन देखने को मिले थे. और ये 24 क्वेश्चन ये रहे आपके सामने इस प्रकार से. ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें, पर यही है कि फैक्ट ज़्यादा आते हैं इसमें से. अब फैक्ट किस टाइप के फैक्ट पढ़ना है, कि आपको स्टैटिक पार्ट पढ़ना है, कि आपको करेंट अफेयर पढ़ना है, तो वो आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है. अब पहला ये जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम ये से लैटेराइट सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था. अब ये जो लैटेराइट सॉइल है, अब इससे रिलेटेड ये कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल में. डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स में हमें लैटेराइट सॉइल के बारे में डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा. नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की अगर बात करूं, ये NAMP मीन्स व्हाट, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, NAMP, ये एयर क्वालिटी से रिलेटेड या एयर पोल्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. ये कहाँ पढ़ने को मिलेगा आपको, ये आपको इन्वायरमेंटल साइंस में आपको जो पोल्यूशन वाला टॉपिक है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एयर पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन. सेम अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन इस बार 22 के पीटी में भी आया है, कि 22 के पीटी में ये सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला है. उसमें PM10, PM2.5 ये भी रहा है इसमें क्वेश्चन. मतलब UPSC के कुछ क्वेश्चन और JPSC के कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, सभी तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मिलते जुलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था जो ये क्रोमोसोमल थ्योरी मीन्स साइंटिस्ट. ये सबसे बोरिंग टॉपिक होता है साइंटिस्ट वाला, कि किस चीज़ ने किसने किसका डिस्कवर किया है एंड ऑल सब कुछ, बट ये पढ़ना ज़रूरी है हमें. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है साइंटिस्ट, लाइक सेल, हु डिस्कवर सेल एंड ऑल समथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हिग्स बोसोन थ्योरी, गुड पार्टिकल्स, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है. करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है. मीन्स क्या JPSC में भी करंट अफेयर आता है? यस, JPSC में भी आपको करंट अफेयर मिलेगा देखने को. ऐसा नहीं है, वो गया जमाना, पहले जो JPSC होते थे उसमें करंट अफेयर नहीं आता था, लेकिन आज की जो JPSC है उसमें करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा. उसमें आपको मेंस में फ्लो चार्ट भी बनाना पड़ेगा, उसमें आपको वेन डायग्राम भी यूज़ करना पड़ेंगे अगर आपको ज़्यादा अच्छे से नंबर चाहिए तो. देखिए सर और मैम, रेस्पेक्टेड सर और मैम, JPSC, आई नो सभी को पता है कि नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो बहुत कम आती है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं. अब इतना सारा जो कंपटीशन है, इतना बड़ा जो कंपटीशन है, उसमें हमें अगर रैंक लेके आनी, हमें DSP चाहिए, तो हमें एफर्ट तो डालने पड़ेंगे. और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज़रूर भागते हैं. ऐसा नहीं है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, उसको आसान बनाया जा सकता है. अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि PT में भी और मेंस में भी, हम लोगों ने लास्ट ईयर जो मेंस में ऑफलाइन जो क्लासेस ली थी, ऑफलाइन में हमने जो जो पढ़ाया वो मेंस से वो क्वेश्चन देखने को मिले, और स्टूडेंट से सिलेक्ट भी हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हो गए हैं. ओके, तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं. सेम है LED. अब ये LED वाला क्वेश्चन क्यों आ गया, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ वाला एक टॉपिक आता है, हमको PT में भी पढ़ने को मिलेगा, मेंस में भी पढ़ने को मिलेगा, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया LED क्या है एंड ऑल सब कुछ. नेक्स्ट क्वेश्चन,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो फिजिक्स आपके मेंस में भी है सिलेबस में, पीटी में भी सिलेबस में है, और ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं जेपीएससी, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं पूछेंगे कि आप ये बताइए क्या टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड ऑल सब कुछ, ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। हाँ, एनर्जी का बेसिक क्या पूछ लेगा जेपीएससी, कन्वेंशन एनर्जी, नॉन कन्वेंशन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑल समथिंग। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट, अगेन फिजिक्स का क्वेश्चन। पहले था कि पहले बायोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते थे और बच्चे क्या करते थे, बायोलॉजी ही पढ़ के चले जाते थे बस। लेकिन अभी जो जेपीएससी हो रहा है उसमें फिजिक्स से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री से भी अच्छे खासे देखने को क्वेश्चन मिलते हैं, बायोलॉजी से तो मिलते ही मिलते हैं। तो इस बार भी आप देखेंगे तो 24 क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका बायोलॉजी से, प्योर बायोलॉजी से, एनसीईआरटी से, 9th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7। सिंपल सा क्वेश्चन था, विच इज नॉट एन इंसेक्ट, इंसेक्ट कौन नहीं है, इसमें से आपको ये बताना था, मॉस्किटो, स्पाइडर, हाउस फ्लाई, बर्ग एंड ऑल समथिंग। क्वांटम कम्युनिकेशन, अगर आप थोड़ा यूपीएससी का देखते हैं तो ये क्वेश्चन इस बार के पीटी में भी आया है, 2022 के पीटी का क्वेश्चन सेम है तो जेपीएससी के 2021 के पीटी का क्वेश्चन है, क्यूबिट, ये यूपीएससी में पूछा है और जेपीएससी में पूछा है क्यूबिट क्या है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग, अभी क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब ये भी किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके टेक्नोलॉजी वाले पार्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या और कैसे करके ये हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग से जो सर्विसेज है वो हमें क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगी, क्या चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेंगे। फैक्स, ईमेल, मतलब ये किस पार्ट से क्वेश्चन है, ये भी टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है। अब अगर आपने देखा होगा इतने क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस करे हैं तो बायोलॉजी के क्वेश्चन कम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से क्वेश्चन हमें ज़्यादा देखने को मिले। ओके, ये क्वेश्चन नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन कैसे इंटैक्ट करेगा प्लांट, ये क्वेश्चन है इकोलॉजी वाले पार्ट से। इकोलॉजी में भी एक टॉपिक आता है नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल से बहुत क्लियरली क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से क्या है क्या नहीं है एंड ऑल सब कुछ। इजी क्वेश्चन था, इकोलॉजी से क्वेश्चन है ये, सेम डिसीजेस। नॉर्मल पर्सन क्या करता है कि डिसीजेस पढ़ने बैठेगा तो डिसीजेस पढ़ेगा ओनली किसकी, एनिमल्स की, पर आप चाहे 21 का पीटी देख लीजिए, 16 का पीटी देख लीजिए, दोनों में प्लांट डिसीजेस से क्वेश्चन मिले हैं आपको। तो अगर आप एनालिसिस कर लें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या टॉपिक आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, तो किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। अभी सिर्फ हम ब्रीफ में कोशिश कर रहे हैं जानने की कि जेपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है हमसे, हमें क्या चीजें पढ़नी है। सेम क्रॉप रोटेशन, ये एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, ये मेंस का भी टॉपिक है। मेंस में एक अलग से आपका सेक्शन है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्रॉप रोटेशन, उसी के बाद उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब आता है उसमें, तो उसी से कोरिलेट करता हुआ एक टॉपिक है। अच्छा, जिन लोगों को लगता है कि पीटी की तैयारी कर लेते हैं पीटी के बाद मेंस की तैयारी करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है, ये बहुत बड़ा मिथ है आप लोगों का। मेंस की तैयारी के साथ साथ पीटी की तैयारी जरूरी है, करना ही है, क्योंकि आपको लगता है कि पीटी के बाद मेंस की तैयारी कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत कम टाइम मिलता है पीटी के बाद मेंस के लिए और उतने टाइम में सिर्फ रिविजन होता है, तो पीटी मेंस ये नहीं होता है। हाँ, मेंस पीटी, हाँ ये जरूर हो जाता है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे पिछली बार की बात करूं, पिछली बार जो मेंस हुआ था एक दिन में 2 पेपर लिए थे जेपीएससी ने, मतलब 6 घंटे लिखना था एक दिन में। और मुझे पूरा उम्मीद है जितने भी आप लोग देख रहे हैं बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो एक दिन में 6 घंटा लिखे होंगे। हाँ, कोविड में जो आपका कॉलेज का पेपर हुआ होगा शायद उसमें आप 6 घंटा लिखे होंगे, पर ऐसा नॉर्मल पर्सन 6 घंटा लिखा इम्पॉसिबल है सर। सेम यूपीएससी वाला पैटर्न फॉलो किया है जेपीएससी ने लास्ट ईयर, कि एक दिन में 2 पेपर लिए, 6 घंटा लिखना। अब 6 घंटा लिखना मतलब ये नहीं कि कहानी लिख के आ रहे हो आप, कुछ भी, आपको बहुत प्रॉपरली जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको काफी अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में आपको लिखना था। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना
स्टार्ट करिए अगर आपको रियली जेपीएससी निकालना है तो। पीटी निकाल के खुश न होना ये अलग बात है, और फाइनल रिजल्ट देना ये बहुत अलग बात है। ओके चलो आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम, लाइक वी आर ह्यूमंस राइट, तो हम लोगों का साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस। सेम प्लांट है, प्लांट का कुछ ना कुछ बॉटनिकल नेम, कुछ ना कुछ साइंटिफिक नेम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। वीट का पता होना चाहिए आपको, आपको राइस का पता होना चाहिए, आपको तुलसी का पता होना चाहिए, आपको मेज का पता होना चाहिए, आपको ग्राम का पता होना चाहिए, स्पेशली आपके जो स्टेट एनिमल्स हैं उनका पता होना चाहिए, स्टेट बर्ड कोई है तो उसका पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन हर एक पीसीएस में बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, तो एक बार आप रेडी कर लीजिए। लाइक काउ का पूछ लिया आपसे बॉस इंडिकस, सांप का पूछ लिया नाजा नाजा, और ऐसा नहीं है ये आपके जेपीएससी में, बिहार पीसीएस में, राजस्थान पीसीएस में, एमपी पीसीएस में बहुत ऐसे आते रहते क्वेश्चन। तो अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए तो आपको खुद पता चल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट सर, ये हर्बिसाइड से क्वेश्चन है, ये पॉल्यूशन वाला एक टॉपिक है, पॉल्यूशन में जो हैजर्डस सब्सटेंस जो होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब किसका क्वेश्चन है सर? ये आपका इकोलॉजी वाले पार्ट का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये मैंगो से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है कि कौन सा मैंगो ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, कौन सा इंपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले आपने कि देखा है सर, मिनिमम क्वेश्चन आपको कहां से मिले? बायोलॉजी से, फिजिक्स केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी से अच्छे क्वेश्चन मिले हैं। पैटर्न चेंज हुआ है, पहले बायोलॉजी बहुत हाई क्वेश्चन आते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत लो क्वेश्चन मिलते थे आपको, लेकिन अब उल्टा हो रहा है सर। एक्विटिक वीट ये आपको मिल जाएगा कहां पर? एनसीईआरटी लास्ट चैप्टर में, 12th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 16 में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, एक्वेटिक वीट। तो मतलब एनसीईआरटी पढ़ना है क्या? हाँ सर पढ़ना पड़ेगा आपको एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी सारा पढ़ना है क्या कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ना है? मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ना है। हमारे साइंस एंड टेक एंड इकोलॉजी एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक की बात कर रहा हूँ। न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। कुड़ानकुलम, कल्पक्कम है ना, काकरापारा, रावतभाटा, ये सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। अगेन केमिकल पॉल्यूशन, मतलब किससे क्वेश्चन है? ये भी पॉल्यूशन मतलब इकोलॉजी से क्वेश्चन। तो आपने देखा सर अभी तक बायोलॉजी से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले। इसमें पूछा है कि आयरन मिनरल्स कौन सा है, हेमेटाइट है कि मैग्नेटाइट है एंड ऑल सब, ये क्या होता है? तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और करके ओ आर ई और, ये और से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन से किस केमिकल का या किस एलिमेंट के और कौन से होते हैं। तो ये आयरन का पूछ डाला है, और कौन सा होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सोलर एनर्जी, सर सोलर एनर्जी यूपीएससी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है, हमारे यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है जेपीएससी में। ये भी आपका इकोलॉजी वाला जो क्वेश्चन पार्ट है, इकोलॉजी में भी एनर्जी वाला जो पार्ट है उससे क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम एनर्जी कहाँ से आपको मिल रही है। अगेन एटॉमिक पावर एनर्जी, एटॉमिक पावर प्लांट, मतलब वही न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ डाला है। मतलब अगेन किसका क्वेश्चन है? साइंस से टेक के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा है। इनसेट वाला जो क्वेश्चन है ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्पेस टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से क्वेश्चन है। मतलब आप अगर आप देखोगे ओवरऑल तो मिनिमम क्वेश्चन जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे हैं, पर फिजिक्स केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी वाले जो पार्ट है उससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हैं। ये 21 का क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है, 21 में जो लास्ट आपका जेपीएससी पीटी हुआ है उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। 2016 की बात करूं, 2016 में भी 24 क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन किस किस से सर? साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक के बाद इसमें जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री सब, इन सब से मिला के 24 क्वेश्चन 2021 में, और 2016 में भी 24 क्वेश्चन।
आउट ऑफ 100 अगर आपके 24-25 क्वेश्चन मीन्स 25% क्वेश्चन साइंस ला के दे रहा है, तो अगर आप ये कर लेंगे तो पीटी निकालना आपका आसान हो जाएगा। 25 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आना, तो अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं सारे के सारे आपसे बन जाते हैं। क्योंकि मुझे पता है आप हिस्ट्री कर ही लेते हैं, ज्योग्राफी कर ही लेते हैं, आपका जो झारखंड वाला स्पेसिफिक झारखंड नॉलेज वाला जो है आता है वो भी आप कर लेते हैं। तो ये कौन तो फिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या मेन रीज़न है? क्या हम हर बार 2-4 नंबर से चूक जा रहे हैं? क्या हमें हर बार 2-3 नंबर से मात खानी पड़ती है कि 2-3 नंबर अगर आ जाते तो हम JPSC सिलेक्ट हो जाते पीटी में? बिलीव मी, पीटी टफ है, मेंस इजी है अगर आपको आंसर राइटिंग आती है तो। अगर आप पीटी सिलेक्ट हो जाते हैं और मेंस में आपको एक, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा कि ये ही क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ये मेरी गारंटी है कि आपका मेंस कभी नहीं रुकेगा मेरे सब्जेक्ट के कारण। हाँ, पीटी में आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं क्योंकि पीटी में क्या आता है, फैक्ट आता है। अब देखते हैं हम लोग 2016 में जब JPSC हुआ था तो उसके पीटी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं साइंस एंड टेक से, 24 क्वेश्चन ये रहे। नंबर 1 NGT जनरल साइंस का क्वेश्चन है क्या? ना, ये क्वेश्चन है आपका इकोलॉजी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये इकोलॉजी में जब हम लोग पढ़ते हैं तब पढ़ाया जाता है NGT। नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज, अगेन किसका क्वेश्चन है ये? इकोलॉजी। क्लाइमेट चेंज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको मेंस में भी देखने को मिलेगा क्लाइमेट चेंज क्या होता है, है ना? हो सकता है आपको अदर सब्जेक्ट में भी क्लाइमेट चेंज और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो देखने को मिल जाए। नेक्स्ट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, सर ये UPSC का, हाँ JPSC की बात नहीं कर रहा हूँ, UPSC का इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि 6 साल हो गए मेंस पे आ ही जा रहा है, इस बार भी 22 अभी जो संडे को पेपर हुआ है GS 3rd का उसमें भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, साइबर क्राइम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आते हैं। ये किसका टॉपिक है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? जब हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो उसमें माल न्यूट्रिशन जब हम पढ़ते हैं, कुपोषण जब हम पढ़ते हैं, तब हमें ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पढ़ने को मिलता है। राइबोसोम्स, ये है जनरल साइंस का क्वेश्चन, सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन। जब भी आप साइंस एंड टेक पढ़ते हैं तो फर्स्ट टॉपिक होता है आपका साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या? ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स का एक टाइप से ये, अगर फिश का डेथ हो गया तो उससे जो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली स्मेल आती है उसका मेन रीज़न क्या है? ये किसका क्वेश्चन है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नॉन स्टिक जो फ्राइंग पैन्स होते हैं उसमें क्या चीज़ें यूज़ की जाती है, ये भी किसका क्वेश्चन है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मतलब सर इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री से, इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से, इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं टेक्नोलॉजी से, और हमें क्या लगता है कि बायोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बायोलॉजी इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इनके कंपैरिजन में थोड़ा कम। हाँ, बायोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको हेल्प करेंगे टेक्नोलॉजी के जो मेन कॉन्सेप्ट उनको समझने में। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है DNA, ये आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको बताया DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो जब आपको DNA ही नहीं पता होगा तो DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या करिएगा आप? अंडरस्टैंड दैट? मस्टर्ड गेस, अगेन केमिस्ट्री का क्वेश्चन। मस्टर्ड गेट किसका क्वेश्चन है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन। डायनामाइट केमिस्ट्री का क्वेश्चन। डायनामाइट भी किसका क्वेश्चन है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ह्यूमन ब्लड में जो एल्कोहल का परसेंटेज है वो क्या होना चाहिए जिससे उसकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए? तो ये भी किसका क्वेश्चन है? केमिस्ट्री। अगेन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या, ये ही पूछ लिया डायरेक्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं? किलोबाइट्स, बाइट, ये किसका क्वेश्चन है? कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंप्यूटिंग वाला पार्ट है उससे क्वेश्चन है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंप्यूटिंग वाले पार्ट से क्वेश्चन।
सॉफ्टवेयर अगेन किसका क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंप्यूटिंग वाला पार्ट। बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन जो आपका डेफोडिल प्लांट है वहां से हम विटामिन ए उठाते हैं और उसको कहाँ डाल देते हैं, गोल्डन राइस में। ये एग्रीकल्चर वाले पार्ट से क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर वाला पार्ट जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं जीएम क्रॉप फोर्टिफिकेशन, तो उसका क्वेश्चन है डेफोडिल। प्लांट से रिलेटेड डिसीज, देखो मैंने पहले ही बताया था 21 में भी प्लांट से रिलेटेड डिसीज आई है, 2016 में भी प्लांट से रिलेटेड डिसीजेज आई हैं। और आपको क्या लगता है, नहीं सर हम एक काम करते हैं, हम तो क्या पढ़ लेते हैं, ह्यूमन का डिसीज, उससे काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ह्यूमन का डिसीज से काम नहीं होता सर, प्लांट डिसीज भी पढ़नी पड़ जाएंगी आपको। नेक्स्ट, कलर ऑफ मिल्क, अगेन केमिस्ट्री का क्वेश्चन। डैशनेट, ये किसका क्वेश्चन है सर, ई कॉमर्स ई लॉजिस्टिक इससे रिलेटेड, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट। मून से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब ये भी साइंस एंड टेक का स्पेस वाला जो पार्ट है, स्पेस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, वहां से क्वेश्चन है। न्यूक्लियर सबमरीन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिफेंस टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है, वहां से क्वेश्चन है। रणथंभौर टाइग्रेस, जिसका रिसेंटली क्या हुई थी, डेथ हुई थी। अब ये क्वेश्चन करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा देखा जाए तो ये आपका इकोलॉजी वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा है। प्रोजेक्ट लून, ये यूपीएससी का पुराना क्वेश्चन है, जेपीएससी ने डायरेक्ट दे दिया उसको। प्रोजेक्ट लून 2016 में यूपीएससी में भी आया है, जेपीएससी में भी आया है प्रोजेक्ट लून। तो प्रोजेक्ट लून किसका क्वेश्चन है सर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से क्वेश्चन है। कार्टाजिना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, ये सारी की सारी चीजें इकोलॉजी वाला पार्ट का, पोल्यूशन वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है सब, वहां से पढ़ने को मिलता है हमको ये सब। यूएनईपी क्या होता है, यूएनडीपी क्या होता है, UNFCCC क्या होता है, WWF क्या होता है, ट्रैफिक क्या होता है, साइट्स क्या होता है, ये सारी के सारी चीजें कहाँ से मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको इकोलॉजी वाले पार्ट में। जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी में पढ़ते हैं तब ये चीजें पढ़ी जाती है, ये यूनेस्को से उधर ही मिलेगा आपको पढ़ने को। मतलब क्या सर, अगर ओवरऑल आप देखें तो साइंस से कम क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन, फिजिक्स से भी काफी अच्छे क्वेश्चन, केमिस्ट्री से काफी अच्छे क्वेश्चन, सबसे अच्छे क्वेश्चन, लेकिन जनरल साइंस से कम क्वेश्चन। तो जिनको लगता है कि जनरल साइंस ही करना है हमको, नहीं सर ऐसा मत करिए, जनरल साइंस के बिना आपका काम तो नहीं चलेगा, लेकिन जनरल साइंस पे कम फोकस करना है, टेक्नोलॉजी वाले जो पार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, सिलेबस की बात करूँ मैं तो सिलेबस में जो जनरल साइंस है, 6 नंबर का जो पेपर है हमारा उसमें आता है। अगर आप 6 नंबर के पेपर में देखेंगे सर तो यहाँ पे 5 ग्रुप में डिवाइड किया है इसको। 5 ग्रुप में जो ग्रुप ए है उसमें है आपका क्या, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में आपको क्या मिलेगा, फिजिक्स पढ़ने को मिलेगा, सीजीएस क्या होता है, एमकेएस क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है। और अगर आप इस साल के मेंस का क्वेश्चन देखते हैं तो वहां पे पूछा है ये सीजीएस एमकेएस इस टॉपिक से, सिस्टम ऑफ यूनिट टॉपिक से एक क्वेश्चन इस बार मेंस में आया हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्पीड, वेलोसिटी, ग्रेविटी, एनर्जी, पावर, वेट क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन यूजीपीएससी पूछ चुका है। सोलर सिस्टम, इससे क्वेश्चन 2016 के मेंस में पूछ चुका है। उसके बाद साउंड वेव, ये भी 2016 का क्वेश्चन है यूजीपीएससी का। मतलब क्या सर, अगर आपने जो सिलेबस पर लिखा है, मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस के जो सिलेबस में लिखा है वो एक एक पार्ट या एक एक पोर्शन आपने अच्छे से डिटेल में उसको करके रखा है, तो आप ये गारंटी है मेंस का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला। अब एक काम करिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिखा है, एमकेएस, सीजीएस और एसआई, इसको अच्छे से पढ़ डालिए, कभी नहीं छूटेगा आपसे मेंस का क्वेश्चन। स्पीड, वेलोसिटी, ग्रेविटी, मास, वेट, फोर्स, इंपैक्ट, वर्क, पावर, एनर्जी, ये एक बार पढ़ लीजिए तो आपसे क्वेश्चन कभी नहीं छूटेंगे। मेंस में सबसे छोटा वाला जो ग्रुप है वो ग्रुप ए ही है, इसमें फिजिक्स दी रखी है और फिजिक्स में बहुत कम सिलेबस है।
विद इन वन वीक आप आराम से फिजिक्स खत्म कर सकते हैं, आराम से। आपको मेंस में भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एंड पीटी में भी। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो होता है क्या, लाइफ साइंस। ये बहुत बड़ा टॉपिक है सर लाइफ साइंस। इसमें आपको सेल बायोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, डीएनए, आरएनए, सेल डिवीजन, डाइवर्सिटी, बहुत सारे टॉपिक इसमें आते हैं आपको। अगर हम ये पढ़ने बैठेंगे तो इसमें थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा। फिजिक्स तो आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे, पर बायोलॉजी पढ़ने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइफ साइंस पढ़ने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें से सबसे जो मेन पोर्शन है जो आपको परेशान करता है वो करता है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जैसे इसमें लेमार्किज्म पढ़ना पड़ेगा, डार्विनिज्म पढ़ना पड़ेगा, है ना। फिर उसमें आपको वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ने पड़ेंगे, एनालॉगी क्या होता है, डाइवर्सिटी क्या होता है, सब पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब कहाँ से उठा के रखे हैं जेपीएससी वालों ने, जब भी सिलेबस बनाए कहाँ से उठा के रखा, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के पटक दिया है। यहाँ पर जो एनसीईआरटी में जो लिखा है यहाँ पे उठा के उसको सीधा पटका गया है। सेल रिप्रोडक्शन, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, क्रोमोसोम, ये सब किसके टॉपिक है, एनसीईआरटी के ही टॉपिक है। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई टाइम लेने वाला है तो वह है लाइफ साइंस। ये आपको बहुत परेशान करेगा लाइफ साइंस। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। ये वाला जो पोर्शन है एग्रीकल्चर वाला पोर्शन, इसमें आपको झारखंड स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। अभी तक जो पढ़ा था फिजिक्स वो झारखंड स्पेसिफिक नहीं होता है, लाइफ साइंस वो भी झारखंड स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन आपका जो एग्रीकल्चर साइंस है इसमें आपको झारखंड स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। झारखंड स्पेसिफिक क्या, नंबर वन जैसे लाइक फिश फार्मिंग है तो बात करना पड़ेगा झारखंड स्पेसिफिक। झारखंड में जो रेनफॉल होता है वो कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, तो ये इसलिए इसको बोल रहा हूँ कि झारखंड स्पेसिफिक है। तो ये आपको झारखंड वाला जो पेपर है उसमें भी हेल्प कर जाएगा। इसके बाद जो पोर्शन आता है इसमें, इसको बोलते हैं क्या, इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस में ये अगर आप 12th का बायोलॉजी का एनसीईआरटी का लास्ट का 4th चैप्टर आप पढ़ लेते हैं, 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी लास्ट 4 चैप्टर अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका ये वाला जो पोर्शन है एनवायरमेंटल साइंस कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने से। चैप्टर नंबर 13, 14, 15 एंड 16, 12th एनसीईआरटी लास्ट 4 चैप्टर, आपका इकोलॉजी वाला पोर्शन खत्म। उसमें सब मिल जाएगा आपको, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, एनवायरमेंट, पोल्यूशन, सब कुछ मिल जाएगा इसमें देखने को आपको। और लास्ट में बचता है आपका क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी छोटा सा पार्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है इसमें आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, सैटेलाइट वाला मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगा, फूड सिक्योरिटी भी मिल जाएगा, बहुत सारे टॉपिक, साइबर क्राइम भी मिल जाएगा इसमें। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, ये बहुत बड़ा पोर्शन है, ये लाइफ साइंस से भी बड़ा पोर्शन है, क्योंकि इसमें एक चीज़ें नहीं है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूड है। और लास्ट में इसमें दे दिया है क्या, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजेस, जैसे कि एग्जाम्पल कैंसर। कैंसर से क्वेश्चन आपका जेपीएससी मेंस में पूछ चुका है, एड्स से क्वेश्चन आपका जेपीएससी मेंस में पूछ चुका है, लेप्रोसी का जो क्वेश्चन है वो भी जेपीएससी के मेंस में आ चुका है, मलेरिया, टीबी, ब्लाइंडनेस, इनसे भी हो सकता है फ्यूचर में देखने को आपको मिल जाए। तो ये काफ़ी बड़ा और बहुत ही ऐसा कि परेशान करने वाला एक टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है आपको। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कितने ग्रुप हैं आपके पास, 5 ग्रुप है, और 5 ग्रुप से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको, 200 नंबर के क्वेश्चन। अब कुछ हम बेसिक बात कर लेते हैं सर। हम सबको पता है कि ये जो पार्ट है इससे आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब 6 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, दूसरा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं हम लोग। सपोज अगर मैं बात करूं, हमारा जो पेपर होता है वो होता है कितने नंबर का, 200 का। अब 200 का जो डिवीजन है वो कैसे है सर डिवीजन, वो अपन डिवीजन डिस्कस करते हैं, अपन कैसा डिवीजन। इसमें से
एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 5 क्वेश्चन सब्जेक्ट है। अब ये एक जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं इसके अंदर 20 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, और 20 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का, तो ये कितने नंबर का हो गया सर, 40। क्या क्या दोबारा बताइए, कितने क्वेश्चन आते हैं सर हमारे लास्ट जीएस सिक्स में 6 ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिंगल जो क्वेश्चन आता है वो रहता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का, मेंस में ऑब्जेक्टिव टाइप का, और ये 5 जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सब्जेक्टिव टाइप के। तो ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी 20 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, और 20 की 20 ऑब्जेक्टिव, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 20 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, 40। अब ये जो 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपको मिलते हैं कितने नंबर के, 32 मार्क्स के एक क्वेश्चन। तो ये ओवरऑल कितने नंबर के हो जाते हैं, 160, और 160 प्लस 40 ओवरऑल कितने नंबर का होता है आपका, 200 नंबर का क्या मिलेगा आपको, हमारा GS6। अब आप सोच के देखिए सर, हमारा जो 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप है, वर्ड लिमिट JPSC ने बोला उसमें कितना, 500 to 600, ये बहुत बड़ा वर्ड लिमिट है। कैसे करेंगे सर इनको वर्ड लिमिट को फुलफिल, देखते हैं सर वर्ड लिमिट कैसे फुलफिल करेंगे। अगर आपने क्या किया, ये 6 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास कितना मिनट है, 3 आर मीन्स 180 मिनट्स, 180 मिनट है आपके पास। अगर ये जो एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव था और ये 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव था, अगर 5 क्वेश्चन में आपने हर एक क्वेश्चन में 30 मिनट दिया तो कितना मिनट हो गया, 150 मिनट। और ये एक क्वेश्चन में आपके पास कितने मिनट बचे, क्योंकि यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, अब ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपके पास कितने मिनट बचे, 30 मिनट। मतलब सर एक क्वेश्चन हमको जो सब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन है, एक सिंगल क्वेश्चन, उसको करने के लिए आपके पास कितने मिनट है, ओनली 30 मिनट। तो बिलीव मी 30 मिनट में 500 से 600 शब्द लिखना आसान नहीं होता है। अगर आप एक क्वेश्चन 30 मिनट में कर देंगे तो ये 500 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डालेंगे, और अगर आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छा नहीं है, आप 30 मिनट में इतना अच्छा से नहीं लिख पाते हैं, तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। और आपको मैं बता दूं सर, लास्ट पोस्ट और स्टार्टिंग पोस्ट में कितना डिफरेंस रहता है, मैक्स टू मैक्स 100 से 150 नंबर का, बस इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। मतलब जो टॉप किया है और जिसको लास्ट पोस्ट मिली है उनमें कितने नंबर का डिफरेंस है, दोनों के नंबर में सिर्फ 100 से 150 नंबर का। और अगर आप ऐसे 30-30 नंबर वाले, 32-32 नंबर वाले क्वेश्चन 3-4-5 छूट गए आपसे, तो आप तो गए काम से, नेक्स्ट ईयर आए, नेक्स्ट ईयर पढ़िए फिर। इसलिए हर एक सब्जेक्ट में, हर एक क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से एफर्ट डालना है। अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी छूटा तो ये समझ लो सर क्या हो सकता है, पहले आप जो DSP बनने वाले थे तो कुछ और बन जाएं। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर पाए, ओके। और ये प्लीज़ याद रखिएगा कि हर एक क्वेश्चन को हमें 30 मिनट के अंदर करने की कोशिश करना है। चलो ठीक है, मान लीजिए आप ये 20 ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन थे, ये 20 जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन थे, उसको 30 मिनट में नहीं, आप 20 मिनट में करते हैं। सपोज आपने इसको 20 क्वेश्चन को 20 मिनट में ही कर डाला, तो आपके पास 30 के क्या हो जाएगा सर, 32 मिनट हो जाएगा। 32 मिनट में, 30 मिनट में 500 से 600 शब्द लिखना, मतलब 5 से 6 पेज भरना आसान नहीं होता है। कहानी नहीं लिखना है, क्योंकि आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, बहुत सारी चीज़ें भी इंक्लूड करनी है। जैसे सपोज आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए मेंस में, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा क्वेश्चन आया आपके मेंस में, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई नो मैक्सिमम का आंसर क्या होगा सर, पावर हाउस ऑफ द सेल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये बिल्कुल गलत है सर।
माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल लेयर ऑर्गेनेल्स, अदर नेम फिर लिखते हैं आप क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल, तब सही ज्यादा सही रहता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपसे बोला व्हाट इज सेल, आई नो सबको पता है बेसिक डेफिनेशन है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल, आप सभी लोग ये लिखते हैं। नहीं सर, आपको ज्यादा नंबर खींचने तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल, ये ज्यादा करेक्ट होता है। डिजीज का डेफिनेशन लिखना है अकॉर्डिंग टू WHO, पॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखना है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट EPA के अकॉर्ड। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ज्यादा नंबर देके जाएंगे दूसरे लोगों से, और ये एक एक नंबर दो दो नंबर आपको ऊपर रैंक में लेके जाएंगे। ऐसा नहीं होता सर, जिसकी लास्ट पोस्ट आती है और जिसकी जो टॉपर रहता है वो, ऐसा नहीं कि लास्ट पोस्ट वाला कम पड़ता है, नहीं सर, लास्ट पोस्ट वाले के कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे, जो टॉपर होगा उससे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, उसने अच्छे से उसको परफॉर्म किया होगा, बस ये फर्क रहता है। तो हमें क्या करना है सर, हमें सारा बहुत अच्छे से एफर्ट डालना है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है कैसे नहीं करना है, क्योंकि वी डोंट नो हम लोगों का जो 100 नंबर वाला जो इंटरव्यू है वो कैसा जाएगा। बट हाँ, हमारे हाथ में ज़रूर है क्या, पेपर 1 से लेके पेपर 6, और पेपर 6 सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है आपको। आई नो आप पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 आसानी से कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, पेपर 6 में सबको प्रॉब्लम जाती है। तो पेपर 6 अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छी रैंक मिल जाएगी, नहीं तो फिर हो सकता है कि आप, नहीं सर हमें तो कोई मतलब नहीं, हमें तो बस पोस्ट चाहिए, हम तो सिलेक्शन ले लें बहुत बड़ी बात है, हमें पोस्ट की तो बाद में बात करेंगे, हम कुछ नहीं चाहिए DSP, हमको तो बस सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोशिश करिए। अब मैं आपको मेंस के क्वेश्चन दिखा देता हूँ, मेंस के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये आपका PT का ही क्वेश्चन है, 2 मिनट बस, मैं आपको मेंस का क्वेश्चन जरूर दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे हो, ये मेंस का क्वेश्चन है, 21 के मेंस का क्वेश्चन, पेपर 6 का, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। कितने क्वेश्चन आते हैं सर इसमें, 6 क्वेश्चन आते हैं, वही पहला वाला क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव, और पहले क्वेश्चन के अंदर ये 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। मेंस में भी ऑब्जेक्टिव आते हैं जो 40 नंबर के होते हैं, 9, 10, 12, 14, और ये हो गए आपके सारे 20 क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आपको PT में भी देखने को मिलता है। तो मेंस का जो पहला क्वेश्चन है जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, ये रहे। फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होता है क्या, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसकी वर्ड लिमिट कितनी है, 500 से 600। अच्छी बात है कि इसमें आपको अथवा या और में भी देखने को मिल जाता है। अभी पहला क्वेश्चन जैसे मैंने बोला था कि MK CGS SI यूनिट, ये कहाँ का क्वेश्चन है, सब फिजिक्स से आ गया क्वेश्चन। दूसरा सर वही सोलर एक्लिप्स, सन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आ गया, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। दूसरा अमीनो एसिड, वो भी इसेंशियल अमीनो एसिड और विटामिन्स के बारे में पूछ लिया गया आपसे, ये किसका क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 4, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर, वो भी कहां पर पूछा है, झारखंड स्पेसिफिक, ये एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्रोफॉरेस्ट्री, ये भी एग्रीकल्चर वाला जो क्वेश्चन है उससे आया क्वेश्चन। नेक्स्ट एसिड रेन, ये सर आपका इकोलॉजी वाला पार्ट से क्वेश्चन पूछा है, सेम ये भी आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये भी इकोलॉजी वाले क्वेश्चन से पूछ लिया है, ये दोनों इकोलॉजी का क्वेश्चन। और ये आपका क्या, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जो से मैंने अभी डिस्कस किया था, ये एनर्जी वाला पार्ट इकोलॉजी के एनर्जी वाले पार्ट से क्वेश्चन है। और लास्ट में HIV, साइंस एंड टेक में जो डिसीजेस का पोर्शन लिया है, इससे पहले कैंसर पूछा, इस बार क्या पूछ लिया, HIV पूछ लिया, हो सकता है अगली बार मलेरिया पूछ डाले। तो ये मेंस में आपको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आपके पास टॉपिक बहुत ही ऐसा पता है पहले से कि ये टॉपिक है, ये पढ़ना है, ये तो आना ही आना है।
और हर एक क्वेश्चन आपको कितने नंबर का मिलेगा, ये 32 मार्क्स का, ओके। तो ओवरऑल पेपर 6, 3 घंटे का पेपर, 200 क्वेश्चन। अगर यहाँ पे आप वर्ड लिमिट देखेंगे तो कितनी है, 500 to 600 वर्ड लिमिट है, और हर एक क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके अंदर कितने हैं, 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, और वो कितने मार्क्स कैरी करते हैं, 2 मार्क्स, मतलब जो पहला क्वेश्चन है वो 40 नंबर का है, बाकी के क्वेश्चन आपके 32 के, ये रहा है, देखो आप यहाँ पे लिखा है क्लियरली 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, हर एक के 2 नंबर, 40 नंबर, बाकी के बाद में जो क्वेश्चन आते हैं वो सब के सब आपके कितने नंबर के हैं, वो 32 मार्क्स वाले हैं। ये यहाँ से स्टार्ट हो गए आपके, कौन से वाले, ये 32 वाले आपके स्टार्ट हो गए, ये 32 वाले। तो ओवरऑल 200 नंबर का क्वेश्चन है, 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें अगर आप 100 के आसपास लेके आते हैं या 100 प्लस लेके आते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। क्या बात कर रहे हो, 100 प्लस? हाँ सर, 100 प्लस तो ज़रूरी है, लाना ही है इतने तो। तो आई होप आप समझ पाए हो कि कितनी सारी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है JPSC में, राइट। एक तो आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या पूछे हैं, PT हो चाहे मेंस हो। अगर आपको PYQ पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में पता है, तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे अपने एग्जाम में। पर स्पेशली PT का सिलेबस हमारे इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ नहीं है कि PT में किस जगह से कैसे कैसे टॉपिक हमारे आते हैं। तो हम पहले PT का सिलेबस डिफाइन कर लेंगे कि कैसा कैसा PT का सिलेबस है, कहाँ कहाँ से मैक्सिमम टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो PT में नंबर 1, जो बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है, PT में जो बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसमें हमें देखना है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे। अब कौन कौन से टॉपिक है जो बायोलॉजी में आपको पढ़ने हैं, देखते हैं हम लोग। पहला टॉपिक जो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का ही अदर नेम सेल बायोलॉजी होता है। साइटोलॉजी का ही अदर नेम क्या है, सेल बायोलॉजी। अब इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा सर, इसमें आपको सेल क्या होती है, सेल डिवीजन क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, सब इसमें सेल बायोलॉजी पढ़ना है। नंबर 2 वाला जो टॉपिक है उसका नाम है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इस जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, इसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ने को मिलेगा, नंबर 1 स्टमक क्या होता है, पैनक्रियास क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें क्या, SCL क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें ही देखने को मिलेगी। साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में हम लोग एक टॉपिक और पढ़ लेंगे, क्या नाम है उसका, विटामिन। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, JPSC का PT का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, विटामिन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा साइटोलॉजी, दूसरा है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, 3rd है ना सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम इसी के साथ हम सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ क्या पढ़ डालते हैं, ब्लड। इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ने को मिलेगा सर, इसमें आपको ब्लड, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, एंटीजन, एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप, सब इस टॉपिक में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग किडनी का मेन फंक्शन, नेफ्रॉन, ये सारी चीज़ें हमको एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स से रिलेटेड सारे फंक्शंस, लंग्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट लेयर है वो सब कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा।
तो ये सारे टॉपिक हमको पढ़ना है। पहले मैं एक बार आपको बता दूं कौन कौन से टॉपिक हैं, फिर अपन दोबारा से डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या आता है, इसमें क्या नहीं आता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव। अब रिप्रोडक्टिव में ही हम लोग साथ में आर्टिफिशियल जो टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से जो कोई कपल है जो नेचुरली पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ART। इसी के साथ में हम पढ़ लेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी में भी हमारे काम आ जाएगा। इसी के साथ हम ट्विंस क्या होता है ना, जुड़वा जिसको बोलते हैं ट्विंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी हम यहीं पर पढ़ लेंगे। ओके, रिप्रोडक्टिव के बाद जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, मेंडल, DNA, RNA, जीन, ये सारा कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा आपको। ओके, जेनेटिक्स के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने को मिलेगी आपको, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या क्या आएगा सर, क्लासिफिकेशन में आपको प्लांट्स देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको फंगस पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एनिमल्स पढ़ने को मिलेगा, प्रोटिस्टा पढ़ने को मिलेगा, और भी चीज़ें इसमें पढ़ने को मिलेगी, एल्गी, प्रोटिस्टा, फंगस, एनिमल, मोनेरा, ये क्लासिफिकेशन के अंदर देखने को, मोनेरा किंगडम का क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन, फंगस का क्लासिफिकेशन, एनिमल का क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन, ये आपको पढ़ने को मिलेगा क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट में आपको क्या मिलेगा, डिसीज वाला जो टॉपिक है, डिसीज के साथ आपका जो यहीं पर आप एंटीजन, एंटीबॉडी, इम्यूनिटी, सब हम यहीं पे पढ़ लेंगे डिसीज वाले टॉपिक में। अब डिसीजेस में कौन कौन सी पढ़ना है सर आपको, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा वायरल डिसीज, यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा बैक्टीरियल डिसीज, फंगल डिसीज, प्रोटोजोन डिसीज, बहुत सारी डिसीजेज आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। तो ये टॉपिक हो जाएगा डिसीजेस। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका साइंस का PT का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी हैं जो आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे। तो अपन थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं क्या है साइटोलॉजी में क्या पढ़ना है। अब जो नंबर वन टॉपिक है साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इसी के साथ हम लोग क्या सेल डिवीजन भी पढ़ लेंगे। सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी में सेल है क्या, सेल डिवीजन क्या होता है, ये सारा कुछ पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, अब सेल में क्या पढ़ने को मिलता है सर, बेसिक क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, ह्यूमन की बात करें तो सेल थ्योरी है ना, फिर उसमें सेल ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोजाइम, ये सब लाइसोसोम, तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ पढ़ लेंगे, साइटोलॉजी में। डाइजेस्टिव की बात करें तो डाइजेस्टिव में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा आपको, नंबर वन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, जैसे एग्जाम्पल लास्ट शायद बिहार PCS में क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, तो माउथ से, सबको पता है माउथ में किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब इसमें पढ़ने को मिलेगा, ट्रांसफेट क्या होता है ये पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ हम इसमें क्या पढ़ेंगे, स्टमक, लीवर, स्टमक के फंक्शन, लीवर के फंक्शन, पैनक्रियास, पैनक्रियास के फंक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके मेन फंक्शन, और साथ ही साथ लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, विटामिंस, कि विटामिन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या क्या पढ़ना होता है विटामिन में, विटामिन ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, के क्या है, इससे डिफिशियंसी डिसीजेस कौन सी होती हैं, इनके साइंटिफिक नेम क्या है, केमिकल नेम क्या होते हैं, ये सब पढ़ने को मिलेगा आपको विटामिन में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सर्कुलेटरी सिस्टम में,
सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना पड़ेगा हार्ट। अब हार्ट में कितने चैम्बर हैं? ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है और न्यूरोजेनिक है। ह्यूमन का जो हार्ट है उसमें एस एन ओट का लोकेशन क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल का लोकेशन क्या है, बाइकस्पिड वॉल का लोकेशन क्या है, हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन हो उसका मेम्ब्रेन का नेम क्या है। हार्ट से रिलेटेड डिसीजेज जो अभी हमारे यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा हो रही है, इंडियंस में बहुत ज़्यादा हो रही है। द हिंदू में अभी कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ आई थी कि इंडिया का जो यंगस्टर है उसका हार्ट बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है वो हम इसमें पढ़ने को देखने को मिलेगा। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, हम सब डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट ब्लड है इसमें। तो ब्लड में आपको सबको पता है क्या पढ़ने को मिलेगा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सारा प्लाज्मा, ये सारी चीज़ें क्या होती है पढ़ने को मिल जाएगी इसमें। क्या क्या आता है, क्वेश्चन कैसे आता है PT में, RBC का शेप, RBC का लाइफ साइकिल क्या है, ग्रेवियर्ड ऑफ RBC, मेन फंक्शन ऑफ RBC, अदर नेम ऑफ RBC, वॉट इज WBC, अदर नेम ऑफ WBC, टाइप्स ऑफ WBC, इस साल UPSC का PT का क्वेश्चन, बी सेल और टी सेल, ये UPSC का ने पूछा है पहले, बी सेल और टी सेल, सेम क्वेश्चन हो सकता है आपने JPSC में देखने को मिल जाए। बी सेल एंड टी सेल ये आपके WBC के ही टाइप हैं। फंक्शन ऑफ WBC, प्लेटलेट्स की बात करें तो फिर ये पूछ लेंगे व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, तो बोलेंगे क्या, ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ये सब कहाँ मिलेगा, ब्लड में। ब्लड के साथ हम यहाँ पे ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये सारा चीज़ इसमें पढ़ने को मिलेगा। यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी इसमें। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको क्या पढ़ने को मिल जाएगा, आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है। हम अमोनोटेलिक हैं कि यूरियोटेलिक हैं कि यूरिकोटेलिक है। किडनी कैसे फंक्शन करती है, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, किडनी से रिलेटेड डिसीजेज कौन कौन सी होती हैं, ये सारा इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेटरी में हम सबसे ज़्यादा जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे लंग्स पे फोकस करेंगे। लंग्स, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई, हमारा जो विंड पाइप एंड ऑल, सब कुछ। लंग्स रिलेटेड डिसीजेस क्या होती है, लंग्स कैसे वर्क करता है, यहाँ पर इनहेल कैसा होता है, एक्सहेल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम ये लंग्स में ही पढ़ लेंगे। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है जो रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव में मेनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी जो सैरोगेसी आई है वो सैरोगेसी ART के अंदर आता है, सैरोगेसी बिल क्या होता है ना। उसके बाद आपने सुना होगा एक कम्युनिटी के बारे में, LGBTIQ, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और क्वेयर, ये सब पढ़ना पड़ेगा इसमें आपको। सेम अगर आपने बोला कि भाई जो सैरोगेसी बिल होता है, सैरोगेसी बिल में आप पहले क्या करते थे, इंडिया में कोई भी आता था फॉरेन वाला और यहाँ पे सैरोगेट मदर को क्या कर लेता, हायर कर लेता, उसको पैसे दे देते थे, अब ऐसा नहीं है सर। सैरोगेसी पे अब ये जो कमर्शियल सैरोगेसी है उस पर बैन लगा दिया है। ट्वींस क्या होते हैं, थ्री पेरेंट्स बेबी क्या होता है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब रिप्रोडक्टिव के साथ में हम इसे कुछ टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है वो भी यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जेनेटिक्स, इसमें मेंडल, क्योंकि आपका लास्ट ईयर मेंस का क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ मेंडल और हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो मेंडल आंसर आएगा। क्लासिफिकेशन वही, एनिमल क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन, फंगस, एनिमल, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या बचता है आपका, डिसीजेस, बीमारियाँ, बीमारी में एंटीजन, एंटीबॉडी, सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। और एक टॉपिक और है जिसका नाम है क्या, एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें आपको हॉर्मोन्स देखने को मिलेंगे,
कि हार्मोन्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, किस टाइप के हार्मोन, जैसे गुड हार्मोन कौन सा है, बैड हार्मोन कौन सा है, आपको अच्छा लग रहा है तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, आपको बुरा लग रहा है, आप स्ट्रेस में हो उसके पीछे स्ट्रेस हार्मोन है, आपको बहुत अच्छा लगता है उसके पीछे आपको फील गुड हार्मोन है, तो जितना भी चीज़ें आप समझ रहे हो सब सब क्या है, हार्मोन्स है। ये आपका सिलेबस है किसका, बायोलॉजी के पार्ट का। यहाँ पर हमारा JPSC का जनरल साइंस वाला पोर्शन फिनिश होगा। अब इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा क्या, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स में क्या पढ़ना है सर, फिजिक्स में वही ऐसा यूनिट जो PT में भी है और मेंस में भी है, वर्क पावर एनर्जी PT में मेंस दोनों जगह मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी क्या, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, लेंस। लेंस में क्या पढ़ना पड़ेगा सर, जैसे मुझे कौन सा डिसीज है, मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में ये मैंने कौन सा लेंस यूज़ किया है, तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिज्मबायोपिया, एस्टिगमेटिज्म, ये सब किसके टॉपिक है, फिजिक्स के टॉपिक है। फिजिक्स में पूछ लेंगे आपसे जो बिबगे और कलर होता है, जो बिबगे और कलर है, बिबगे और कलर में मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, मिनिमम वेवलेंथ किसकी है, हम हमारी जो गाड़ी की टेल लाइट है उसमें रेड कलर ही क्यों यूज़ करते हैं, जो स्काई है ब्लू कलर का क्यों है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, फिजिक्स का टॉपिक से आती है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है सर, आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब नहीं पढ़ना है सर, ये नहीं आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री में कुछ है तो वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसमें क्या आएंगे सर, जैसे आपको बुखार आ रही है, फीवर हुआ, फीवर में कौन सा टेबलेट खाया, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक कौन सा टेबलेट, वो सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। एंटीबायोटिक मीन्स वॉट, एंटीपायरेटिक मतलब क्या, ये सारी चीज़ें आपको केमिस्ट्री के इस टॉपिक में पढ़ने को मिल जाएंगी। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं, जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम में ऐसा थोड़ी ना शुगर डालते होंगे, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें। फूड जो पैकेट फूड रहते हैं, जो पैकेजिंग वाले फूड रहते हैं, उन फूड आइटम में कौन सी चीज़ें इंक्लूड कर दी जाती है, एड ऑन की जाती है अलग से, फूड प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, ये सब आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, है ना। आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल प्लास्टिक, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, अब जैसे ऐसा थोड़ी नहीं होता हर एक प्लास्टिक को आप रिसाइकल कर लीजिए। अभी जैसे कि बिल आया रिसेंटली सिंगल यूज प्लास्टिक, उस पर बैन लगा दिया हमने इंडियंस ने, सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, ये सब किसके पोर्शन है, ये सारे के सारे आपके केमिस्ट्री के पोर्शन है। तो इतना कर लीजिएगा आप, तो आपसे कितने क्वेश्चन बन जाएंगे सर, ऑलमोस्ट 20 से लेके 24 क्वेश्चन। और साथ में ही आपको यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा, EVS एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस के कुछ जैसे जैसे इस बार क्वेश्चन आया था UNEP क्या होता है, हो सकता है अगली बार UNDP पूछ ले, हो सकता है आपसे UNFCCC पूछ ले, हो सकता है आपसे UNCCD पूछ ले, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है आपसे इनके हेडक्वार्टर इनका फुल फॉर्म ही पूछ डाले। तो ये जो चीज़ें हैं UNEP UNDP UNFCCC UNCCD, तो इनके फुल फॉर्म कहाँ मिल पढ़ने को मिलेंगे आपको, EVS में, एनवायरमेंटल साइंस में। अगर आप इतना करते हैं, क्या क्या चीजें कर लेते हैं आप, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और EVS, ये गारंटी है सर आप इतना नंबर तो लेके आ ही जाएंगे, इतने क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे इन सब से, 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कितने में से, 100 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन ये चारों लाके दे देंगे आपको। अगर आप इन पर फोकस करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं, आपका PT क्वालिफाई हो सकता है। और आपने PT क्वालिफाई कर लिया सर, तो मेंस इजी होता है, मेंस में आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले से पता है कि यही आने वाली है वो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा सिलेबस वाला जो पोर्शन है वो हम कंप्लीट करते हैं।
नेक्स्ट में जो भी सेशन होगा हमारा, हम बायोलॉजी के फर्स्ट पार्ट साइटोलॉजी से स्टार्ट करेंगे कि साइटोलॉजी में पढ़ना क्या है, पीटी में पहले कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, मेंस में कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। साइटोलॉजी जब भी पढ़ेंगे पीटी प्लस मेंस दोनों का साथ में पढ़ेंगे। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट टाइम पे या नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साइटोलॉजी का बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।